नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस का आरओ आरओ का 2021 का प्री एग्जाम 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, जिसकी ऑफिशियल की आ चुकी है, जिसमें 11 आंसर गलत है आयोग की तरफ से। अब हर बार होता यह है कि आयोग पहले आंसर की जारी करता है, फिर उसमें जो है क्लेम मंगाता है कि कितने गलत है आप बताओ। अरे भैया सर जी, ऐसा क्यों होता है हर बार की जो है आपको पता होता है कि भैया गलत होंगे, तो ये मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलिए आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं कि अगर कोई चीज आपको कोई संशय है, कोई कंफ्यूजन है तो आप भेज सकते हैं, अच्छा पहल है। लेकिन सर ये जो है फाइनली तभी सक्सेसफुल होगी जब आप इसकी मॉडिफाइड आंसर की भी दोगे। मॉडिफाइड आंसर की देनी पड़ेगी सर प्लीज, ये आप लोगों की डिमांड है कि नहीं है? मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए चाहने से नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तो करना क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? करना ये है आप लोग को, एक एक मेल करनी है सारे लोगों को। यूपी पीसीएस आरओ आरओ का 6 लाख के आसपास लोगों ने भरा था एग्जाम, लेकिन शायद 49% नहीं दिया, तब भी 3 लाख। अगर आप ये यकीन मानिए, ये जो दो ईमेल है यहाँ पे online.uppsc@nic.in और दूसरी है chairmanofficeuppsc@gmail.com, अगर इन दोनों मेल में आपने 1 लाख से ज्यादा भी मेल कर दी, सारे काम बन जाएंगे। एक ट्विटर पे हैशटैग भी चलाना है, और क्योंकि ये यूपी पीसीएस बार बार जो है बीमार हो जाता है और बार बार उनको सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी और कई लोग जो है प्रयास करने की कोशिश करते हुए दिखाते तो हैं, अब करते कितना है ये तो आप ही लोग को पता होगा। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, क्यों नहीं स्केलिंग जो है अभी तक उसका कुछ हुआ, कोई फाइनली स्केलिंग मॉडरेशन, इतने सारा मुद्दा उछला, कुछ नहीं हो पाया फिर। और जो है हर बार वही होता है, आप आंसर की करते हो जारी, उसमें फिर जो है अभी तक एक आध करते थे, 3-4 करते थे, इस बार तो 11-12 कर दिया है। अरे क्यों ये गलत किए गए क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका कहीं आंसर ही नहीं है, वो ब्रिटिश टाइम पे कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता था, बुकों में लड़ाई हो गई है, एक कह रही 53, एक कह रही 40, एक कह रही 35, एक कह रहा है जो है 45, और इन्होंने ऑप्शन भी इतने क्लोज रखने का क्या मतलब है, औचित्य क्या है बताइए ऐसे सवालों का, जहां पे कोई आंसर ही क्लियर नहीं है। मतलब क्या ये स्टूडेंट को आप जो है ऐसी चीज पूछोगे जो आपको खुद भी ना पता हो? ये तो बड़ी सर्वे ऐसी बात है। अभी खैर जो भी है, हैशटैग UPPSC_getwellsoon और #UPPSC_होश में आओ, ये दो हैशटैग चलाइए आप लोग, ठीक है? इसके अलावा और भी यहां नीचे डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के सारे डिस्कशन करिए, आपस में मिलके यूनाइट होके यार मेल कर दो यार, क्यों नहीं कर रहे हो मेल? मेल का मटेरियल मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखे दे रहा हूं, पिंड कमेंट में भी डाले दे रहा हूं, ये वाली मेल कर दीजिए आप। देखिए मुझे भेजा है कुछ लोगों ने कि सेवा में माननीय अध्यक्ष जी और ये सब चीजें जो जो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यार इतना तो आता ही होगा आपको, मैं पूरा ये दिए दे रहा हूं। आप लोग को सिंपली ये करना है कि भैया इसमें लिखना है, ये जो लिखा हुआ है इसको फॉर्मेट कर दो बस, इसमें अपना रोल नंबर और वो नाम लिख देना बस। ये मेल करनी पड़ेगी, दो जगह मेल करनी है, यकीन मानिए अगर आपने कर दी मेल तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर रोते रहो, ई करते रहो। सब लोग यही चाहते हैं कि ये हो तो जाए, लेकिन खुद कुछ ना, खुद बैठे रहो रजाई के अंदर, समझ रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा सर और मैडम, काम करना पड़ेगा अपने लिए, अपने खड़ा अपने लिए खुद होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ई करते रहो फिर, समझ रहे हो बात? अब मेरी किसी बात को प्लीज जो है वैसे माइंड मत करिएगा, माइंड कर भी लेना तो क्या हो जाएगा, ज्यादा खाना खा लेना यार, लेकिन ये मेल कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है भैया जी बहनी जी, आपस में तो एकजुट हो जाओ यार, नहीं तो फिर यूपी पीसीएस के मुद्दे कभी नहीं सॉल्व हो पाएंगे, जो बात है। देखिए अध्यक्ष जी बदल जाते हैं, हर बार एक नई उम्मीद जागती है कि शायद नए अध्यक्ष जी कुछ अच्छे हों, लेकिन फिर भी वो थोड़े दिन बाद वो उम्मीद हवा में उड़ जाती है, ये फिर यही हुआ है। तो #UPPSC_होश में आओ और #UPPSC_getwellsoon, ये दो हैशटैग चलाएंगे हम, प्लस ये जो मेल है मैं इसका मटेरियल यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ईमेल आईडी लिख दे रहा हूं, पिन कमेंट देख लीजिएगा भैया, प्लीज कर लो ये सब लोग एक एक मेल भेज दो यार प्लीज, सब लोग भेजोगे तो हो जाएगा काम, नहीं भेजोगे तो फिर बैठे रहो, करोगे ना? और बाकी कोई और आपका इशू है तो यहाँ पे डिस्कस करिए, आपस में लिखिए यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट में, कई सारे अधिकारी लोग भी देखते हैं, शायद जो है कुछ कहीं ना कहीं बात पहुंच जाए और आप लोग की सुन ली जाए, और कम से कम ट्रांसपेरेंट सिस्टम, फेयर सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन, ये वाली चीज हो जाए भैया, इलेक्शन भी आने वाले हैं यूपी में, यही वक्त है, उठा सकते हो मुद्दा तो उठा लो, नहीं तो फिर बबुआ बन के बैठे रहो बस। देखिए वही चीज है, दो तरीके हैं, पहली चीज ये तो यहाँ पे इतना ज्यादा मार्क्स दे आया करो कि सिलेक्शन कट ऑफ के आसपास बात ही ना करो, सीधा कट ऑफ से 10% ऊपर, या तो वो तरीका कर लो, या फिर ये तरीका कि कट ऑफ में अगर एक आध से रुक रहे हो तो कम से कम जो आपका हक है वो मिले, तो यूनाइटेड रहो, कुछ करो। तो वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां भी मैं ईमेल आपको क्या करनी है वो मैटर यहां पे जो है लिख के शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है? आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने मेल में रोल नंबर और अभ्यर्थी के नाम के साथ आप जो है भेज दीजिएगा, मेल आईडी भी यहां पे मैं लिख दूंगा, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, अगर वहां से कॉपी ना हो तो यहां से कर लेना।